हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुजाता सबकाल। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त होम ट्रीटमेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसके हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। ये है इंटेंसिव स्किन केयर रिन्यूअल पील, सीधा आपके घर पे, सीधा आपके फिंगर टिप्स पे। सबसे पहले जानते हैं रिन्यूअल पील का यूज क्या है। हमारी स्किन बहुत सारी लेयर से बनी होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मल बोलते हैं, और उसके नीचे जो लेयर होती है इसको डर्मल लेयर कहते हैं। उसके भी सबसे नीचे लेयर होती है उसको सब डर्मल लेयर कहते हैं। हर दिन हमारी स्किन लगातार रिन्यू होती रहती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मल लेयर लगातार डेड स्किन को निकालती रहती है, और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है हेल्दी स्किन को ऊपर वाली लेयर तक पहुंचाती रहती है। ये जो स्किन रिन्यूअल प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता है और नेचुरल तरीके से होता है जब हम काफी यंग होते हैं, और उसी के कारण जो यंग एज में हमारी स्किन यंग प्लम्पर और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहती है। जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है वही स्किन रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है, और यही वो समय होता है जब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं हमारी स्किन की देखभाल करने के लिए। नॉर्मली हम में से बहुत सारे लोग घर में ही स्किन के ट्रीटमेंट करते हैं। कोई लोग वीकली ट्रीटमेंट करते हैं, कोई लोग रेगुलर फेशियल करते हैं, कोई लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी कराते हैं। प्रोफेशनल तरीके से जो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। हम ज्यादा से बात करते हैं, बहुत सारे लोग केमिकल पीलिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, और जैसे कि वो नाम में ही लिखा है केमिकल पील होता है, और हमारे स्किन पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। केमिकल जो रिएक्ट करता है हमारे स्किन के साथ वो हमारे स्किन का पीएच को बिगाड़ देता है। इसके वजह से हमारी स्किन की स्मूथनेस खत्म हो जाती है, डल दिखने लग जाती है, ये हमारे स्किन को बहुत ज्यादा हार्श कर देता है। इन्हीं सारी साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल साइड रखते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्त होम ट्रीटमेंट प्रोडक्ट जो है इंटेंसिव स्किन केयर रिन्यूअल पील के बारे में। बिल्कुल ही बड़ा है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो कि है मशरूम एंजाइम। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये बेसिक प्रोडक्ट है क्लींजर, ये एक बेसिक प्रोडक्ट है रोज इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है। सबसे पहले चेहरे को क्लीन करना है, उसके बाद हम रिन्यूअल पील लगाएंगे। सबसे पहले अपना चेहरा पानी से गीला करें, उसके बाद अपने चेहरे को क्लीन करना है। एक ड्रॉप क्लींजर लेना है, उसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। बाद में अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद अच्छे टॉवल से चेहरे को साफ करो। इसके बाद हम रिन्यूअल पील लगाने के लिए तैयार है। अब आता है रिन्यूअल पील का नंबर। अपने उंगली के ऊपर रिन्यूअल पील 8 ड्रॉप्स मींस 8 पंप लेना है, और चेहरे के ऊपर स्प्रेड करना है। अच्छी तरीके से अपनी स्किन के ऊपर स्प्रेड करना है, आंखों में न जाने देना है। अच्छी तरीके से चेहरे पर स्प्रेड करके 8 मिनट तक रखना है। ये अपने स्किन पर बिल्कुल इवनली वर्क करता है। ये अपने स्किन के पीएच को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। नेचुरल पीएच होता है हमारा स्किन का 5.5, ये उसको मेंटेन करके रखता है। सॉफ्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, यूज करने के टाइम अच्छा फील होता है और कंफर्टेबल भी लगता है। उसको रिमूव करना काफी आसान होता है, गुनगुना पानी लेके थोड़ा मालिश करो और पानी से धो लो। बाहर के जो केमिकल पील जो लगाते हैं सूखने के बाद इतना ड्राई हो जाता है, रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है, और काफी बार स्किन को रैशेस आ जाते हैं निकालते वक्त। ये रिन्यूअल पील यूज करना आसान भी होता है और निकालना भी आसान हो जाता है। रिन्यूअल पील के बहुत सारे फायदे हैं। अपने फाइन लाइंस को, रिंकल्स को कम कर देता है, डार्क स्पॉट को बिल्कुल गायब कर देता है, स्किन के पोर्स के साइज को डिक्रीज कर देता है, स्किन का टेक्चर बहुत ही सुंदर, नाइस और हेल्दी बना देता है। रिन्यूअल पील धोने के बाद हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं।
अभी मैं आर्टिस्ट्री का सेरम कॉन्सेंट्रेट यूज कर रही हूँ। एक ड्रॉप लेके चेहरे के ऊपर स्प्रेड करना है। मॉइस्चराइजर लास्ट में लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। यह था पूरा प्रोसेस रिन्यूअल पील लगाने का।